बलूचिस्तान में जंगलों का कटाव उरूज पर है, जिसमें सनासरी, गुगली धार, यमल, विनब्रा, गुरुनाल वगैरह के जंगलात दिन ब दिन गायब हो रहे हैं, जिस पर महकमा जंगलात कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने महकमा जंगलात के मुलाजमीन पर धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया है। देखिए मोहम्मद अनीस शेख की एक खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस शेख। अभी यहाँ पे मैं ठीक जो कि एक सनासरी के टॉप में मैं मौजूद हूँ। तो आपको बता दें, अगर जिस तरीके से मैंने कुछ वीडियो में बात भी की थी कि ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में, किस तरीके से जंगलों का जो कि अगर तहसील परस्तान की बात की जाए, किस तरीके से बेदरीग बेतिहाशी तरीके से जो कटाव किया जा रहा है, तो आपको मैं हम अभी यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा विद प्रूफ कि यहाँ के लोग जो यहाँ के पब्लिक है वो कर क्या रही है। ये देखिए यहाँ पे जो है बुशेज जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ अभी छुपाया हुआ था ये, इसमें हमने इसको पाया तो ये मतलब ये भी बिल्कुल क्रिमिनल है, बिल्कुल क्राइम माना जाता है ये। मतलब छोटे दरख जो पाना ये जो गिराना, ये तो एक बिल्कुल जो कि सब सोना कहलाता है। तो अगर हम इनको ऐसे हालत करें, छोटे छोटे दरख्त को गिराना शुरू कर दे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम बचा क्या सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है उसको हम क्या दे सकते हैं, जबकि कुछ भी हमने हमारे जो जंगल के सारे कंपार्टमेंट है जो है वो खाली हो चुके हैं, वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। वहाँ पे बिल्कुल हाथों से गिना जा सकता है कि किस तरह कितने जंगल कितने दरख्त है, उस तरीके से जो सफाया कर दिया। चाहे मैं खास बात स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ इसी एरिया की, बात ओवरऑल में बात कर रहा हूँ पूरे तहसील पगल परस्तान की, चाहे उसमें फिर उधर के जंगल इस साइड के या उस साइड के हूँ। तो विद प्रूफ आपको हमने दिखाया, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँ कि इस तरीके से झाड़ियों में छुपाया हुआ था, बिल्कुल छोटा दरख्त है। या देखिए आप इस तरीके से ये बिल्कुल यहाँ पे छुपाया हुआ था झाड़ियों में, बुशेज में छुपा के, तो चोरी 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 माल करते हैं जंगल का, तो जंगल में ये चोरी चोरी करके बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जिनकी यहाँ पे तैनाती है, जिनकी गार्ड जो गार्ड यहाँ पे ड्यूटी, अगर वो कहीं मिले नहीं होते, वो उनकी कहीं भगत नहीं होती, तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ से कहीं लोगों ने जो है बात करते हुए कहा कि हम गरीब शख्स हैं, हमें भी बनाना था मकान, लेकिन जो के डिपार्टमेंट के जो मुलाजमिन है वो पैसे जो जिन लोग देते हैं उनको, चाहे वो बाहर के लोग उनको देते हैं, लेकिन हम तरसते हैं। तो आपको हम मैंने खुद यहाँ पे अभी विजुअल में भी दिखा, फिर से एक बार दिखाऊंगा ये जो बुशेज है, जो झाड़ियाँ हैं, इसमें छुपाया हुआ था, हालांकि छोटा दरखत गिराया गया है, ये छोटा दरखत बिल्कुल जो है इलीगल काम है ये। तो मेरी उम्मीद है कि मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी उम्मीद करता हूँ कि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस वीडियो के जरिए जो जाग जाए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया जो छोटा बूटा जो कि बुशेज में छुपाया हुआ था, यहाँ पे लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या हालत है यहाँ पे। सर आप बताएगा सबसे पहले जो आपके सामने हमने एक जो विद प्रूफ छोटा दरख्त यहाँ पे बुशेज में छुपाया हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे, किसकी ये नेग्लिजेंसी, कौन नजरअंदाज करता है, आप बताएगा क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे? जी आपने ये सही बात बोली, यहाँ पे जो है ये लोग दिन दिहाड़े जो है छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे काट देते हैं। इनको सोचना चाहिए कि हम खुद अगर ऐसे जंगलात की हालात करेंगे तो आगे की तरफ हमारी क्या हालात होगी, और डिफॉरेस्टेशन वालों को इनको भी ध्यान देना चाहिए। अपने जो गार्ड रखे हुए हैं, फॉरेस्टर है जो भी है, ये ड्यूटी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहें, ऐसी चीज़ें ना होने दें, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। नहीं अगर यहाँ पे कहीं गरीब लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा, जो कि अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी निकालना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो पैसे वाले होते हैं, जो चाहे वो बाहर से ही हो, तो वो यहाँ पे माल ले जाते हैं। क्या सही यहाँ बात, यहाँ पे पैसे वालों को ही लकड़ी दी जाती है, जो गरीब लोग होगा उनको कौन देखेगा? अच्छा जो पैसा देगा उसको मिलेगी, जो पैसा, अच्छा जो चलो पैसा जाके चलो फॉर्म शॉर्म बना के लाता है, मानते हैं चलो, उसको अगर उसको अगर एलो किया जाएगा कि आपको एक दरख्त गिराना है, वो सूखा हुआ तो उसके बदले वो तीन चार गिरा देते हैं ना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो जब फार्म बनाते तो एक या दो पेड़ इतना, फिर एक के साथ साथ उधर चार पांच मकानों के लिए लकड़ी निकल जाती है, सरकारी ऐसी है, हम क्या कहें। तो ये थे देना चाहिए, हमारे साथ आमिर थे ताल्लुक जिनका आलिंदबाद से, इनके जरिए हमने जानना चाहा कि इन्होंने खुद कहा कि बिल्कुल कि जो है जो पैसा देता है मतलब उनको ही पैसा दिया जाता है, और जो कि एक अगर दरख्त गिराने की, सूखे दरख्त गिराने की परमिशन हो तो वहाँ पे
3-4 सर सब जगह गिराए जाते हैं। शुक्रिया, वसलम।